Good morning, student. Welcome to e-learning classes provided by SMIT Academy. Myself, Sanjeev Angelo, I am going to teach in the class 5, chapter 12, Bharatvarsh. तो भारतवर्ष जो है वो एक कविता है जो कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रची गई है और उन्होंने इस कविता में भारत की सुंदरता के बारे में बखान किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सोहनलाल द्विवेदी का जन्म जो है 1905 में उत्तर प्रदेश में कानपुर के समीप विंदकी नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। सहज एवं सरल भाषा में लिखी इनकी कविताएं मन को छू लेती है या छू लेने वाली होती है। बच्चों के बाबू, बिगुर, बांसुरी, झरना आदि इनकी लोकप्रिय रचनाएं रही हैं और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। कब? 1969। तो चलते हैं और देखते हैं कि कवि जो है ये क्या कहते हैं इस पाठ में, इस कविता में। कवि ने कहा है कि ये वही भारत प्रदेश है जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए क्या होते हैं, लालायित रहते हैं। भारत यहाँ पर प्रहरी की तरह हिमालय खड़ा है और साथ ही दूत की तरह स्वच्छ एवं निर्मल पावन गंगा जो बहती है वो भारतवर्ष की खूबसूरती में चांद लगा देती है। तो चलते हैं इस कविता की तरफ। तो सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ, यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरिता अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। तो सबसे पहले इस कविता में जितने भी कठिन शब्द आए हैं मैंने यहाँ पर लिख डाला है जिससे आपको परेशानी ना हो। तो चलते हैं इसके अर्थ की तरफ। तो कवि कहते हैं कि यह देश जो है भारतवर्ष हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है, न्यारा है। उत्तर दिशा में हिमालय एक संतरी सरिता अर्थात सिपाही की तरह, प्रहरी की तरह खड़ा है जो कि बाहर से आने वाले दुश्मनों या फिर बाहर से आने वाले जो भी ठंडी हवाएं हैं, जो भी जिससे हमें हानि पहुंचती है उसे वो क्या करती है, हिमालय पहाड़ हमको बचाती है, एक सिपाही की तरह वो खड़ा है। उसी से यहाँ बता रहा है कि उसी हिमालय से गंगा की स्वच्छ एवं निर्मल पावन धारा निकलती है। ऐसे देश में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है, इसलिए वो कहते हैं कि यह भारत देश हमारा है। अगले पंक्ति में यहाँ कह रहे हैं कि क्या ही पहाड़ियां हैं न्यारी जिनमें सुंदर झरने झरने, शोभा में सबसे न्यारा है यह भारत वर्ष हमारा है। तो दूसरे भाग में ये पहाड़ियों एवं झरनों की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि हिमालय के साथ साथ और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो कि अनोखी है, बहुत सुंदर है और इसमें से सुंदर सुंदर निर्मल झरने बहते हैं। ये झरने प्रकृति की शोभा में और चार चांद लगा देते हैं। इसकी निर्मल धारा एवं इसकी आवाज मन को मोह लेती है। इसकी सुंदरता के देखते हुए, इसकी सुंदरता को देखते हुए हमें गर्व और खुशी होता है कि हम इस देश के वासी हैं, इस देश में हमारा जन्म हुआ है। उसके बाद अगले पंक्ति में चलते हैं, कह रहे कि है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल बोल रही, बहुत ही सुंदर की धारा है यह भारत वर्ष हमारा। जन्मे थे यही राम सीता गुंजी थी, यही मधुर गीता यमुना किनारा है, यह भारत देश हमारा है। तो यह जो है तीसरे भाग एवं चौथे भाग में कवि जो है यहाँ की हवा एवं यहाँ की पवित्र भूमि के बारे में बता रहे थे, बता रहे हैं कि यहाँ जो है मन मोहने वाली हवाएं और वन में बोलती है अनेक प्रकार के पक्षी जो कि जैसे कि कोयल बोल रही है। इसी मिट्टी में राम और सीता का जन्म हुआ है, यह पवित्र भूमि है। यहाँ श्री यही वो पवित्र भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना गीता का उपदेश दिया था। और आगे जो है पंक्ति में बता रहे हैं कि यहाँ तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे, जग का सौभाग्य सितारा है यह भारतवर्ष हमारा है। तो यह जो है कविता की आखिरी पंक्ति है, भाग है जिसमें कि कवि लिखते हैं तन मन धन चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे,
जग का सौभाग्य सितारा या भारतवर्ष हमारा है। तो सोहनलाल जी कहते हैं कि यह जो है हमारा देश है ना, यह हमें अपने जान से भी प्यारा है, इसको हम लोग तन मन धन से इसकी रक्षा करेंगे, इसका मान बढ़ाएंगे। और ये जो है सौभाग्य है कि हम लोग इस धरती पे जन्म लिए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राण को भी देकर इस देश की रक्षा करेंगे, इस भूमि की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये भारत देश क्या है, हमारा है। तो यह पाठ जो है, ये कविता जो है, यहीं समाप्त होती है। अगले फिर इसके अगले भाग में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए हम इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।